हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये लहसुन की सब्ज़ी। ये देखिए, देखने में तो बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि लहसुन की सब्ज़ी हम कैसे बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लहसुन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटोरी में लहसुन लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको बारीक चॉप कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको भी चॉप कर लिया है, या आप कद्दूकस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हींग है, स्वादानुसार नमक लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, इसको फ्राई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, गर्म मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 तेज़पत्ते हैं और ये जीरा है 1 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें आज हम लहसुन की सब्ज़ी में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एक कटोरी में ये लहसुन लिया है उसको हमें हल्का हल्का सा क्रश कर देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हल्का हल्का सा एक भारी सी चीज़ से मैंने इसको क्रश कर दिया है, लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इनको हल्का हल्का सा ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हमने जो लहसुन लिया था उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल का मैंने यूज़ किया है। तो ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इसको। तो लहसुन को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, लहसुन थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा लहसुन इसमें निकाल लिया है। अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो अगेन मैंने उसी कढ़ाई को रखा है गैस पर, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ करूँगी। तो ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। तो ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल देंगे। साथ ही साथ हमने जो हींग ली थी तो उसको भी हम ऐड कर देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। तो जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें जो चॉप की हुई ऑनियन रखी थी उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज को। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं ताकि इसका जो भी कच्चापन है प्याज का वो निकल जाए। तो ये देखिए, प्याज का कलर अच्छा सा हल्का गुलाबी हो चुका है, सुनहरा सा हो चुका है। तो अब हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन जो है लहसुन का वो निकल जाए। तो अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो ये देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हमने यहाँ पे जो टमाटर चॉप करके रखे हुए थे उनको भी मिक्स कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जो हमने टमाटर ऐड किए हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो नमक भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को भी हम भून लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने सारे ड्राई मसाले लिए थे, हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर, उन सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे।
अमचूर पाउडर और गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको ढक के मसाले को भी हम पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखिए सारे मसाले बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं। तो मसाला हमारा रेडी है। अब हमने जो यहाँ पर लहसुन ली थी फ्राई करके, तो उनको भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मसाले में मिक्स करेंगे। लहसुन में भी अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जानी चाहिए। तो मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको सबसे पहले। नेक्स्ट, अगर आपको ये ड्राई रखना है ये सब्ज़ी, तो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी यूज़ करूँगी, 1 कप के करीब मैं इसमें पानी यूज़ करूँगी। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, और अगर ड्राई सब्ज़ी रखनी है तो वैसे रख सकते हैं। तो अब हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम फिर से इसको मिला देते हैं और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी ये बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर 1 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। तो ये देखिए अभी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि लहसुन की सब्ज़ी हम कैसे बना सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है और पसंद आने वाली है। अगर कुछ समझ में ना आए कि कैसे क्या सब्ज़ी बनाएं, तो आप ये लहसुन की सब्ज़ी एक बार ज़रूर बना के ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में ही बेल आइकन का बटन है, तो उसे भी प्रेस करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या अदर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।